देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। अमृतसर एनकाउंटर मामले च नवा मोड़, अंबाला तो पंजाब तक नाके तोड़ के भज्या सी नौजवान। सवा दो घंटे च अंबाला तो पहुंचिया मानावाला। बीते दिन ही मानावाला दे विच पुलिस एनकाउंटर दौरान एक नौजवान की मौत हो गई। इसके बाद परिवार वालों पुलिस से ही सवाल खड़े किए गए सन, लेकिन इस पूरे मसले दे विच अमृतसर पुलिस दे वल्लों वड्डे खुलासे किए गए ने। DCP मुखविंदर भुल्लर दे वल्लों जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये शख्स हरियाणा के अंबाला तो एक फॉर्चूनर गड्डी लैके भजया सी जो कि एक डॉक्टर की सी। इस दौरान डॉक्टर के दो होर साथी भी इस गड्डी दे विच मौजूद सन। इस शख्स ने गड्डी किसी बहाने रुकवाई है ते फिर चाबी कढ के गड्डी दे विच सवार हो गया। हालांकि गनीमत रही कि डॉक्टर अते उसके दोवें सहयोगी शंभू बॉर्डर के उपर इस गड्डी चो उतरन च कामयाब रहे। मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल जो अंबाला शहर में पुलिस लाइन में MM हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। 8 तारीख को 4:40 के आसपास अपने ड्राइवर MM अपने OT टेक्नीशियन के साथ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में जिसका नंबर HR01AE6600 है को लेकर ऑपरेशन करने के लिए राजपुरा की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं तुर्काकट से बलदेव नगर फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा 50 मीटर की दूरी पर एक आदमी कसी लेकर दरांते वाली कसी लेकर किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो हमारी गाड़ी के आगे आ गया। हमने जैसे ही उसको एक्सीडेंट से बचाने के लिए गाड़ी रोक दी वो और उसको बात करने के लिए ड्राइवर ने शीशे को जैसे ही नीचे किया उसने झपट कर गाड़ी की चाबी निकाल ली और ड्राइवर से गाड़ी चाबी लेने के लिए जैसे ही नीचे उतरा वो छट से गाड़ी के अंदर बैठ गया। वह गाड़ी को तीव्र गति पे चलाने लगा। तब तक ड्राइवर भी गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। गाड़ी को तुरंत 160 की स्पीड पे ले गया और हम कुछ ना कर पाए। तब वो जैसे ही टोल के पास गाड़ी उसने धीमी करी क्योंकि टोल के आगे गाड़ियां लगी हुई थी, गाड़ी रुकी। हम तीनों किसी तरीके से गाड़ी से नीचे उतर गए वो और उसके आगे ताकि भाग ना पाए हमने गाड़ी रोकने के लिए बैरिकेड्स प्लास्टिक के बैरिकेड भी लगाए, लेकिन वो टोल का बैरिकेड तोड़ते हुए MM प्लास्टिक के बैरिकेड को तोड़ते हुए तीव्र गति से गाड़ी को भगाकर वहां से राजपुरा की तरफ भाग गया। जिसके बाद ये शख्स अंबाला तो लेके पंजाब तक कई बैरीकेड तोड़दा होया पहुंचिया, जिसके चलदे पहले ही हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस नूं अलर्ट कर दिता सी। पहला इस शख्स के वलों तेज रफ्तार गड्डी दे नाल अंबाला फिर फगवाड़ा ते फिर मकसूदा दे विच बैरीकेडिंग तोड़ी गई। इस दौरान एक टोल प्लाजा तो CCTV तस्वीरां भी सामने आईयां ने जिसके विच एक फॉर्चूनर गड्डी दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि यही हुशियारपुर का रहने वाला शख्स है जो कि मानावाला दे विच पुलिस की गोली दे नाल मारिया गया। तस्वीरां च दिखाई दे रहा है कि एक शख्स के वलों जो गड्डी दे अगे खड़ा है CCTV दे विच उसनों भी रौंदन की कोशिश शख्स के वलों की गई। हालांकि गनीमत रही कि उस शख्स समय सिर साइड ते हो गया ते बैरीकेड तोड़ के शख्स उत्थों निकल गया। इस तरीके दे नाल जदों फॉर्चूनर सवार ये हुशियारपुर का रहने वाला नौजवान मानावाला पहुंचा तो उत्थे भी टोल प्लाजा सी ते नाल ही किसानों का धरना लग्या होया सी, जिस दौरान पुलिस के वलों बैरीकेडिंग लगा के शख्स नूं रोकण की कोशिश की गई लेकिन वह नहीं रुकिया, जिसके चलदियां पुलिस मुलाजमान के वलों फायरिंग की गई ते इस दौरान ये शख्स मारिया गया। DCP मुखविंदर भुल्लर के मुताबिक करीब 2.25 घंटे के अंदर ही ये शख्स अंबाला तो मानावाला पहुंच गया, जिसके बाद सवाल खड़े होंगे ने कि इस शख्स की स्पीड कितनी तेज़ रही होगी तो रस्ते दे विच कितनियां जिंदगियां खतरे च पा के ये अंबाला तो मानावाला पहुंचिया होगा। फिलहाल इस पूरे मसले दे विच होर भी डूंघाई दे नाल जांच की जा रही है ते जो परिवार के वलों इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसनों अमृतसर पुलिस के वलों नकारिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक सवेरा TV। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।